नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। एक असाधारण घटनाक्रम के बीच हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ में जज की एक सीट के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच मुकाबले में गतिरोध पैदा हो गया है। ये मुकाबला भारत के दलवीर भंडारी और ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड के बीच है। 13 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जज की एक सीट के लिए दूसरी बार हुए चुनाव में भारत और ब्रिटेन के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला बेनतीजा रहने के बाद अब चुनाव के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। 91 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा और 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए 5 दौर के चुनाव में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में तो भारी समर्थन पाने में सफल रहे, लेकिन उन्हें सुरक्षा परिषद में बहुमत नहीं मिल पाया। वहीं सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को बढ़त मिली। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जज चुने जाने के लिए दोनों जगहों पर बहुमत हासिल होना ज़रूरी होता है। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी, द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की महासचिव प्रोफेसर SK वर्मा, सामरिक मामलों के जानकार प्रोफेसर श्रीराम सुंदर चौलिया और वरिष्ठ कानूनी पत्रकार सत्य प्रकाश। आप सभी का स्वागत है। श्रीराम चौलिया हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हैं। श्रीराम चौलिया, आपकी क्या राय है कि ये क्यों अंतर्राष्ट्रीय अदालत के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एक तरह से रस्साकशी हो रही है? कुर्बान साहब, प्रतिष्ठा और एक प्रतीकात्मक राजनीति है ये। इन्होंने यूरोपीय जो देश हैं, ब्रिटेन फ्रांस, इन्होंने उपनिवेश तो बहुत पहले खो रखे थे, लेकिन अब भी उनका मन है, दिल है कि किसी न किसी तरह हम राज करते रहें। और इनकी जो माइंडसेट वो ये होती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हम ही ने बनाई हैं विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद, और हम ही चला पाएंगे और हमारी ये जागीर हैं, तो ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें, UN के अलावा वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इसमें भी हमेशा प्रथा चलती आ रही है कि वर्ल्ड बैंक का जो नेता है वो हमेशा ही अमेरिकन हो और IMF के जो नेता हो हमेशा यूरोपीय हो, तो वो थोड़े से भी त्यागने के लिए तैयार नहीं रहते इसमें। तो मेरा जहां तक सोचना है, ये हमने लड़ाई अच्छी लड़ी है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमने दिखाया कि हमारे पास नंबर की ताकत है। 121 वोट और अगर महासभा और 6 वोट अगर आप शिक्षा परिषद का जोड़ ले तो 127 बन जाते हैं दलवीर भंडारी के लिए। और ये जो ग्रीनवुड है प्रतिद्वंदी हमारे जो UK के, उनके दोनों मिलाकर हार्डली 77 बन रहे हैं। तो आप देखिए, 193 मेंबर्स की UN है जिसमें कि एक तरह से लोकतांत्रिक विजय तो हमारी है, लेकिन इन्होंने जो प्रणाली बना रखी है उसमें रूल ऐसा बना रखा है कि सुरक्षा परिषद की भी मेजोरिटी चाहिए और जनरल असेंबली की भी मेजोरिटी चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी सी मेरे ख्याल से मात खा गए, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से बाजी हारी नहीं हमने, क्योंकि देखिए 8 की जरूरत होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, और अगर कुछ अस्थायी जो सदस्य हैं उसके साथ हम अच्छी कूटनीति करे। प्रधानमंत्री जी ने देखिए बहुत जोर लगाया इस पर, खुद उन्होंने पर्सनली बहुत सारे अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे उन्होंने स्पेशली उनसे जिक्र किया है इस मुद्दे का और उनसे भारत के लिए सहयोग मांगा है। श्री रामचलिया, आप क्या सोचते हैं कि भारत, अभी जैसा पैनलिस्ट ने कहा, खुद एम्बेसडर मुखर्जी कह रहे हैं कि भारत अगर प्रयास करे तो 6 से 8 हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि P5 में जो दबदबा ब्रिटेन का है वो तो कम होने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में भारत के पास और क्या विकल्प हैं? जी, एक और विकल्प है कुर्बान साहब, जो कि हम आपस में ब्रिटेन के साथ समझौता करें कि वो हट जाएं रास्ते से, क्योंकि देखिए 2014 में ऐसा हुआ भी है कि जमैका और अर्जेंटीना दोनों साउथ अमेरिका का जो प्रांत है वहां से थे, 2 उम्मीदवार थे, और अर्जेंटीना ने, और इसी तरह टाई चल रहा था गतिरोध, फिर अर्जेंटीना ने कबूल किया कि चलिए मैं हट जाता हूं, आप जमैका, आपको ये सीट मिल जाए, क्योंकि हमें प्रांतीय भाईचारा मेंटेन करना है। तो मुझे लगता है इसी तरह हमने, मान लीजिए कॉमनवेल्थ का जो भाईचारा है हमारा, इसमें ब्रिटेन भी शामिल है और हम भी हैं और बहुत पुराने मेंबर्स हैं और हम दोनों आपसी काफी तालमेल रखते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर, और हमारी पुरानी वो जो उपनिवेश वाला पुराना किस्सा भी है, ऐतिहासिक लिंक्स भी हैं। डेविड कैमरन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आके जलियांवाला बाग में भी श्रद्धांजलि अर्पित किए थे पिछले दफे। तो मुझे लगता है कि ब्रिटेन अब एक तरह से वो जो पुराने जो माइंडसेट है उसे उभर कर बाहर निकल सकता है अगर हम कोशिश करें और अगर इस तरह का कोई समझौता करें। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी, प्रोफेसर SK वर्मा,
प्रोफेसर श्रीराम चौलिया और सत्य प्रकाश इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अभी भी भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने का मौका है, अभी एक और चुनाव का दौर होना है और देखना ये होगा कि उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रति अन्य देशों का क्या रवैया रहता है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।